बिहार में आज से नीतीश कुमार ने प्रचार अभियान का आगाज कर दिया। अभियान के पहले दिन नीतीश कुमार पटना स्थित पटन देवी मंदिर गए, पूजा अर्चना की। इस अभियान का नाम उन्होंने घर घर दस्तक रखा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना की शक्तिपीठ कही जाने वाली पटन देवी मंदिर पहुंचकर प्रदेश में नई ऊर्जा के साथ चुनावी अभियान का बिगुल फूंक दिया। नीतीश कुमार सुबह मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की, मंदिर के पुजारी से तिलक लगवाया, प्रसाद ग्रहण किया, बाहर निकलकर मीडिया से मुखातिब हुए और फिर बिहार की जनता को संदेश दिया कि उनकी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता पूरे प्रदेश में घर घर जाकर दस्तक देंगे और जनता की समस्या से रूबरू होंगे। मुख्यमंत्री ने ये भी साफ कर दिया कि इस अभियान का नेतृत्व जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह करेंगे। पूरे बिहार में हमारे पार्टी के सभी साथी अधिकतम घरों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन लक्ष्य है कि 1 करोड़ घरों तक लोग पहुंचेंगे। और आज से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। इस कार्यक्रम की शुरुआत आज अभी प्रदेश अध्यक्ष श्री वशिष्ठ नारायण सिंह जी ने किया है, और उन्होंने जब कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है तो पार्टी के अनुशासन को ध्यान में रखते हुए हम भी कई घरों पर दस्तक देंगे। नया कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं, हम घर घर में दस्तक लगाएंगे। हम जिन घरों में जाएंगे उन घरों में रहने वाले व्यक्ति के साथ हम उनकी बातों को भी सुनेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के इस प्रचार अभियान को बीजेपी ने खारिज कर दिया है। बीजेपी नेताओं के मुताबिक नीतीश कुमार चाहे जितना जोर लगा ले, लेकिन चुनावी नतीजा ही बताएगा कि किसने किसको दस्तक दी है। लोकतंत्र में हर को दस्तक देने का अधिकार है। हम भी जा रहे हैं, मैं भी काफी घूमता हूं, बाकी लोग भी घूमे, तो उनका अधिकार है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, नवंबर में बिहार की जनता नीतीश कुमार को परमानेंट दस्तक देने वाली है। ये घर घर दस्तक देने का जो उन्होंने नारा चुना है, यह नारा ही बन के रह जाएगा। ना तो उनके पास कार्यकर्ता हैं, ना उनके इतने समर्थक हैं कि वो घर घर तक पहुंच सकते हैं, और घर घर तक यदि जाएंगे तो उन्हें परिणाम नहीं मिलने वाला है। अब बीजेपी भले ही नीतीश कुमार के प्रचार अभियान को बेदम साबित करने पर तुली हो, लेकिन फिलहाल तो प्रचार अभियान की रेस में जेडीयू ने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया है। बिहार में बीजेपी सारे दांव आजमाना चाहती है, लालू और नीतीश के गठबंधन को शिकस्त देना चाहती है, लेकिन बीजेपी अभी तक अभियान का आगाज नहीं कर सकी है। जबकि बिहार में इस बार चुनावी घमासान का अलग ही अंदाज दिखने वाला है। लालू नीतीश अपनी साख बचाने में जुटे हैं, तो बीजेपी उन्हें सत्ता से बाहर करने की रणनीति बना रही है। इस समय पटना से राजेश कुमार।